रायबरेली में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत फाइलेरिया से बचाव के लिए 10 अगस्त से सर्वजन दवा सेवन IDA अभियान चलाया जाएगा। उन्मूलन के लिए 10 अगस्त से जिले में IDA राउंड शुरू हो रहा है। इस दौरान आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व स्वयं सेवक घर घर जाकर फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाएंगे। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है और इससे बचने का एकमात्र उपाय समय पर फाइलेरिया रोधी दवा सेवन करना है, जिससे कि समय रहते फाइलेरिया के परजीवी पर नियंत्रण पाया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी लोग माइक्रो प्लान के हिसाब से कार्य करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि गाँव में इस अभियान का शुभारम्भ ग्राम प्रधान व अन्य प्रतिनिधि लोगों से कराएं और प्रयास करें कि हर एक व्यक्ति दवा का सेवन करे। स्वास्थ्य विभाग व NGO के लोग दवा से होने वाली दुष्परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए इसका दुष्प्रभाव बहुत देर तक नहीं रहता है और ना ही इतना गंभीर होता है कि किसी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़े। दवा के साइड इफेक्ट्स कुछ ही देर में समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति 1-2 घंटे में सामान्य हो जाता है। ये कार्यक्रम जनपद में हमारे यहाँ 10 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक फाइलेरिया रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें ट्रिपल ड्रग का इस्तेमाल किया जा रहा है और पिछले वर्ष 12,775 केस मिले थे हमारे सर्वे के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान। इसमें आप लोग जानते हैं कि ये एक मच्छर होता है, क्यूलेक्स मच्छर, जिसके काटने से ये होता है और ये काटने के बाद 10 से 15 साल के बाद भी ये फाइलेरिया रोग हो सकता है। समझना ये है कि फाइलेरिया रोग ये बचाव की दवा दी जा रही है और ये 100% सेफ दवा है, बचाव भी 100% है और बीमारी लाइलाज है। एक बार अगर हो जाती है तो फिर उसका उपचार संभव नहीं हो पाता है, इसलिए सरकार ने बचाव पे ज़्यादा फोकस कर रखा है। इसको साइड इफेक्ट नहीं, वो सामान्य रिएक्शन बोलते हैं उसको, खाने के बाद, सब में नहीं, कुछ 1-2% लोगों में हो सकता है, जिसमें जी में चला गया, हल्की फुल्की उल्टी हो गई, बुखार आ गया, सर दर्द हो गया, चक्कर आ गया, ये सब चीजें हो सकती हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।